कैशलेस भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक और नई पहल की है। भारतीय डाक को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक का लाइसेंस दे दिया है। इससे पहले भारतीय एयरटेल और पेटीएम को यह लाइसेंस दिया जा चुका है, लेकिन अब लोग पोस्ट ऑफिस में जमा रकम से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिलने के बाद पूरे देश में 650 नई ब्रांच खोलेगा। ये बैंक छोटी राशि जमा करने और उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे। इसके अलावा इन बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग और कुछ अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। भारतीय डाक के एक अधिकारी ने बताया कि इंडिया पोस्ट की पेमेंट बैंक सर्विसेज पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक ही शुरू की जाएंगी। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार पेमेंट बैंक एक व्यक्ति या कारोबारी इकाई से अधिकतम 1,00,000 रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं। ये बैंक छोटी राशि की जमाएं लेने और पैसा हस्तांतरित करने जैसी सेवाएं देंगे। ये इंटरनेट बैंकिंग और कुछ अन्य विशेष सेवाएं भी दे सकेंगे। नोटबंदी के बाद कैश से जूझ रही जनता को कैशलेस योजना का मरहम दिया जा रहा है और इसी क्रम में पेमेंट बैंक खोलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय डाक अब तीसरा भुगतान बैंक बन गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।